पिछले दिनों पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ जो कुछ हुआ है, जैसे विधायकों की पगड़ियां उतारी गई है वह महिलाओं विधायकों के दुपट्टे उतारे गए, उसको लेकर आज फिलौर में आम आदमी पार्टी की ओर से कैप्टन सरकार का पुतला उठाकर शहर में एक विशाल रोष मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई फिलौर के आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता स्वरूप सिंह कड़ेयान ने की। रस्ते में पंजाब सरकार, कैप्टन व स्पीकर केपी राणा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर बोलते हुए स्वरूप सिंह ने बताया कि पंजाब में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है उसके हालात उसकी भाजपा सरकार से भी खराब हो चुके हैं। जो घटना पंजाब विधानसभा में, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, वहां पर एक गुरसिख विधायक की पगड़ी की बेइज्जती की गई है। उन्होंने कहा कि उनका संघर्ष तब तक चलेगा जब तक विधानसभा के स्पीकर केपी राणा को उनकी सीट से उतार नहीं दिया जाता। लोकतंत्र का मंदिर जाने जाता, उस मंदिर साड़िया भैन दज्जत चुनिया हाथ पा गया, भैन दज्जत उछालिया गई, साढ़े भरावान दस्तारा उतारिया गई, पंजाब का स्पीकर अस्तीफा देवे, पंजाब के स्पीकर अहदे तो हटा जाए, आप करप्ट है, आप भ्रष्ट है, साढ़े जोड़े एम एल ए ने उन्होंने खाम खां विधानसभा के सैशन तो बाहर क्ढ़िया जा रहा। असी इस गल का सख्त विरोध करते हैं। दस्तारा लथिया ने, दस्तार साड़ी आन शान का प्रतीक है, दस्तार में किसी हालत में रोलन नहीं देंगे, भावें असी बंद बंद कटवाना प्रवान कर लीए, पर असी दस्तार की बेकदरी किसी हालत में भी मंजूर नहीं करा। फिलौर से राजकुमार नंगल, जीवे पंजाब के लिए।